मैं तुम्हारे पेपर चेक कर रही हूँ, जब तक तुम रिवीजन करो। रौनक, ये वाला क्वेश्चन बताना। मेरे को नहीं आता, अपने आप कर ले। मैं क्यों बताऊँ? इनको तो वैसे भी कुछ नहीं आता। यार भूख लग रही है, फर्स्ट पीरियड में ही भूख लगने लग गई, कुछ घर से भी नहीं खा गया ये मैं तो। तू क्या लाई है लंच में? यार मेरी मम्मी ने तो कुछ खाने को ही नहीं दिया। तेरी मम्मी तो है ही काम चोर, कुछ भी काम नहीं करती है। तू क्या लाई है? महंगा लाई हूँ यार, मेरी मम्मी 2 दिन से मामा के घर गई हुई है, 2 दिन से भूखे मर रहे हैं हम लोग। मेरे पापा भी ऑफिस ऐसे ही गए बिना खाना खाए और बिना लिए आने को। और मेरे पापा को भी खाना बनाना नहीं आता, यूँ ही खाना बनाना सीख ले, कम से कम हम तो भूखे नहीं मरेंगे। यार क्या करें? देखता हूँ आज मम्मी ने टिफिन में क्या भेजा है। एक तो ना जब भूख लगे ना तो हर जगह से खाने की खुशबू आती है। पास्ता, तुम मौज हो गई, मम्मी ने सही मौज कर दी, मजा आएगा खाना खाने में। जल्दी से रिसेस हो जाए। इस पैक को ना अपने पास ही रखूंगा वरना ये सारे खा जाएंगे। अबे यार कहीं से पास्ता की खुशबू आ रही है? हमें कहीं से नहीं, ये चौमिन जैसी शक्ल वाला पास्ता लेकर आया है। सच में? ठीक है फिर, हो गया लंच का जुगाड़। ये हमें खाने को देगा? अबे तो देगा थोड़ी ना, हमें लेना पड़ेगा। कैसे? देख ऐसे, देख अभी ये ना बैठा थोड़ी ना रहेगा यहीं पे, कभी ना कभी कहीं तो उठ के जाएगा ही ना, तो जैसे ही उठ के जाएगा ना इसके बैग में हम टिफिन चुरा लेंगे। चल धीरे बोल, मैम सुन लेगी। जा क्यों नहीं रहा है कहीं? कोई तो नहीं जा रहा यार, और उर पेट में चूहे कूद रहे हैं। सुन मेरे पास ना प्लान 2 है, मैं ना इस नोटबुक को नीचे गिराऊंगी और इसको बोलूंगी कि उठा दे, और जैसे ही नीचे झुकेगा ना नोटबुक उठाने के लिए, इसके बैग से टिफिन निकाल लिया। ठीक है, थोड़ी देर मिलेगी तेरे को, बस जल्दी करियो। अरे रौनक भाई, वो मेरी नोटबुक गिर गई है, उठा दे प्लीज। उठा रहा हूँ। मैं ऐसे घूर घूर के देख रहा था। शिट, ये प्लान भी फेल हो गया। देखियो इसको कैसे पूरा छाती के चिपका के बैठा हुआ है बैग को। क्यों गए? अब हम करेंगे प्लान 3। अब मैं ना इसको पानी पिलाऊंगी, वो भी खूब सारा, और पानी पी के इसको आएगा सुस्त, और फिर ये जाएगा सुस्त करने, और जैसे ही जाएगा ना फिर इसके बैग से हम निकाल लेंगे। रौनक ले पानी पी ले। नहीं मुझे प्यास नहीं लग रही, मुझे नहीं पीना। अरे पियो को देख, बहुत मीठा है, मेरी मम्मी ने नया आरो लगवाया घर में महंगे वाला, ले। ठीक है ले। अरे और पी नहीं यार, तो टेंशन क्यों ले रहा, और भर लाऊंगी। पी पी पी। अरे तो खत्म कर यार इसको, खत्म कर, पता कितनी गर्मी हो रही है, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। पी। हो गया खत्म। अब देख तो कमाल था ना मीठा पानी। हाँ मीठा तो था। आ रहा है, बस आ रहा है रास्ते में। यार कल पिया ये पानी, अब मुझे वॉशरूम आ रहा है। लेकिन नहीं रौनक, कंट्रोल, तेरे को वॉशरूम नहीं जाना, ये तेरा टिफिन चुरा के खा जाएंगे। रौनक क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे तेरे को वॉशरूम जाना है क्या? चला जा, भेज देगी मैम तो। ऐसा किसने बोला? मैम रौनक को ना वॉशरूम जाना है, पर वो बोलने में शर्मा रहा है। झूठ बोल रही है ये दोनों, मेरे को नहीं जाना कहीं पे भी। रौनक को ज्यादा पता है या तुझे ज्यादा पता है? जाना होगा तो वो खुद बोल देगा। काम कर अपना।
फ्लॉप हो गया प्लान। क्या करें? अब तो बस एक आखिरी उपाय बचा है। क्या? देख। मैम, मैं आई गो टू वॉशरूम। ठीक है, जा कॉरिडोर में मत घूमना। नहीं नहीं मैम, थैंक यू। सीधा बाथरूम जाना है और फिर क्लास में आना है। मैम, रौनक को ना पीटी वाले सर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, अभी बुलाया है। बिल्कुल। पीटी वाले सर मुझे क्यों बुला रहे हैं? वो तो पीटी वाले सर ही बताएंगे ना, है ना मैम। रौनक जाओ, तुम्हें सर बुला रहे हैं, शायद कुछ काम होगा। मैम रिसेस में चला जाऊंगा ना खाना खा के। बोला ना अर्जेंट काम है, सर बुला रहे हैं, जा। जाना तो पड़ेगा, अगर नहीं गया तो सर अलग से मारेंगे। क्यों गई थी तू वॉशरूम? मैम बैग का लेके जा रहा है, घर भाग जाएगा ये। बैग यहीं पे रख के जा, बैग नहीं लेके जाना। ये ना पास्ता लेकर आया है। अरे पता है हमें तेरे से भी पहले। चम्मच निकाल, चम्मच चम्मच। अरे इसी में होगी ना, देखो मस्त बना रहा है, कितना टेस्टी है यार। इसकी मम्मी का हाथ में तो जादू है। तो आज मेरे पापा इसकी मम्मी से शादी कर लेते हैं, रोज ज्यादा पास्ता खाते। मस्त है ना यार। अरे मैडम का भी ध्यान रखना, ये देखो ना ली मेरे हाथ। वाह मजा आ गया। रखते वापस। यार सर ने तो नहीं बुलाया मेरे को, कुछ तो गड़बड़ है। अपना लंच चेक करता हूँ। मेरा टिफिन तुम दोनों ने खाया है ना? मैं पागल है क्या? हम दिखाएंगे तेरा पास्ता। जब मैं गया था ना, मेरा ये पूरा टिफिन भरा हुआ था और अब ये खाली है। हो सकता है तेरी मम्मी ने खाली डब्बा ही दिया हो। पॉइंट की बात में पॉइंट है। मेरी मम्मी टिफिन खाली क्यों देगी? अपनी मम्मी से जाके पूछ। ना मेरे को किसी सर ने बुलाया था, तूने बहाना बनाया। मेरे को तो पहले से ही शक था तुम दोनों पे कि तुम दोनों मेरा टिफिन खाओगे। हमने नहीं खाया। तुम ऐसे नहीं बताओगे, रुको। अच्छा फिर कैसे बताएंगे? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। खड़ा हो, हाथ ऊपर कर और पूरी रिसेस टाइम तक हाथ ऊपर ही रहेंगे। मैम मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनो तेरी बात, चुप। वही रहने, वैसे पास्ता था बड़ा स्वाद, मजा आ गया। तुम्हें तो ना छुट्टी के टाइम बताऊंगा। सुन कल भी लेके आई हो यही वाला। क्या लाई है तू? दाल चावल। तू? भिंडे। तू? तोरी की सब्जी। यार हमारे घर वाले अच्छा खाना क्यों नहीं देते? पता नहीं कब समझेंगे बच्चों को। इतनी भूख लगी हुई थी, अब तोरी की सब्जी को देखकर भूख भी भाग गई। यही खाना पड़ेगा। फ्रेंच फ्राइज। हाँ तो क्या हो गया गाइस, फ्रेंच फ्राइज ही तो है, कभी देखी नहीं क्या? यार नैंसी हमें भी दे दे यार फ्रेंच फ्राइज। यार मैं तुम्हें दे तो देती, लेकिन क्या है ना मेरे लिए कम पड़ जाएगी, और तुम्हें तो पता ही है मेरे लिए स्पेशल बनती है। मैं बाहर का तो और कुछ खाती भी नहीं हूँ, स्पेशल खाना ही खाती हूँ बस। यार नैंसी दे दे यार, हमारे घर वाले तो हमें दाल चावल तोरी की सब्जी भिंडी यही सब ही देते, तेरे घर वाले तो इतना अच्छा अच्छा खाना देते, थोड़ा सा दे दे यार नैंसी प्लीज। तुम्हें पता है मेरे घर में ना हमेशा स्पेशल खाना ही बनता है, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, यही सब कुछ बनता है। ये रोटी वगैरह नहीं, हम लोग नहीं खाते रोटी, पता ही नहीं हमें रोटी क्या होती है। तुम्हें पता है पानी, हमारे घर में पानी कहाँ से आता है? ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस।
स्पेशल यस हम लोग यहाँ का खारा पानी नहीं पीते हैं। सुन बहन, हम ना तू जो भी काम बोलेगी वो सारे कर देंगे। अगर तू बोलेगी पैर दबा, हम तेरे पैर दबाएंगे। तू बोलेगी गला दबा, हम तेरा गला दबाएंगे। और तू बोलेगी तेरे हाथ दबा, हम तेरे हाथ भी दबा देंगे। नहीं सॉरी, हम ना तेरा होमवर्क भी कर देंगे। देखो मुझे हाथ पैर तो नहीं दबवाने, मैं ना बहुत एक्टिव हूँ, मेरे हाथ पैर रद्दी नहीं होते कभी भी क्योंकि मैं कुछ काम ही नहीं करती हूँ। तो तुम लोग एक काम करो, मेरा होमवर्क कर दो। ये मेरी साइंस की नोटबुक, मेरी मैथ्स की नोटबुक और ये मेरी इंग्लिश की नोटबुक कर दो। पेन ये हमारे पास है, मैं कर अपने से ही कर दूंगी। वेरी गुड। रुक जा, एक बार चेक तो कर लो काम। अब पूरा है ललंटा। हाँ, वेरी गुड। अब दे दे बहन। दे रही हूँ, दे रही हूँ। दो देगी ना, चटनी लगा के। दो तेरे, दो तेरे। बहन चटनी भी दे रही है। हाँ, दे रही हूँ, रुक जा। और ये दो तेरे। ये लो चटनी, थोड़ी थोड़ी लगाना। हाँ बस 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 बस, तू भी ले ले। मैं तो खाएगी। ठीक है बहन, कल क्या लाएगी? यार वेल, मुझे कल का तो पता नहीं है कल क्या भेजेगी मेरी मम्मी, लेकिन पक्का कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर भेजेगी। हम कल भी तेरा होमवर्क कर देंगे। देखो वैसे ना मैं अपना होमवर्क मैं खुद भी कर सकती हूँ, पर अब तुम लोग मेरी हेल्प करना चाह रहे हो तो मैं मना थोड़ी ना करूँगी। यार और भी दे दे। बस यार मुझे भी तो खाना है। कल भी तो खाने को देगी ना। कल मैं तो टिफिन ही लाऊं। और ये लाएगी क्या खाने में? अरे क्या हुआ, तुम लोग लंच क्यों नहीं खोल रहे अपना? यार हमने ना टिफिन खोलने ही नहीं क्योंकि हमें पता है वही दाल चावल और भिंडी मिलेगी हमें। तू क्या लाई है खाने में? मुझे भी नहीं पता मैं क्या लाई हूँ, तुम लोग खुद ही देख लो। बर्गर। बर्गर। यार थोड़ा सा दे देगी। यार हम तेरा होमवर्क कर देंगे अभी, जल्दी जल्दी कर देंगे। ठीक है फिर, अब तुम कह रहे हो तो होमवर्क आज तुम कर दो मैथ्स का और तू इंग्लिश का कर ले। पेन? यार पेन तो अपना यूज किया करो। चल मेरे पास है। दे दे यार अब। काम करो काम करो। यार बहुत टेस्टी है, और दे दे। काम करो काम। यार थोड़ा सा और दे दे। बस यार मैं भी तो खाऊंगी, पूरा खत्म हो गया है। दे देना दे देना। चल तेरा काम हो गया। ये ले। कंप्लीट है। कल क्या लाएगी? यार कल ना मैं कुछ बहुत स्पेशल लाने वाली हूँ। स्पेशल चीज क्या लाएगी? क्या लाएगी? पिज्जा। सच्ची? यार कल तो छुट्टी नहीं मारेंगे, स्कूल आएंगे। ठीक है पूरी है।
अरे तमन्ना कितने दिनों से एब्सेंट हो रही है, उसे घर फोन करना पड़ेगा, पक्का बंक मारती होगी। वैसे सर देखिए ना, ये स्कूल वालों ने ना पूरा धंधा बना दिया है, पढ़ाई कम करवाते हैं, पैसे ज्यादा हड़पते हैं। अब आप ये नोटबुक ही देख लीजिए, बाहर से 20 रुपए की मिल जाती है, पर नहीं, इसमें स्कूल का नाम छाप के 40-40 रुपए की बेचते हैं, 20 रुपए अपनी जेब में रखते हैं। ये कोई बात होती है बताओ? यूनिफॉर्म ही देख लो, बाहर से मिल जाती है आराम से सस्ती, पर नहीं, बच्चे अगर बाहर से लिया है ना तो उनके ऊपर फाइन जरूर लगा देते हैं। पूरे तरीके इनके पास अपनी जेब भरने के। सही कह रहे हो मैम आप भी। हाँ और क्या, बच्चों के पेरेंट्स तो फिर हमें ही बोलते हैं ना कि टीचर्स तो भाई पैसे हड़पती है इनकी। और क्या मैडम, हर बच्चे के पेरेंट्स थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। ये लो, लंच टाइम ही हो गया, चलिए खाना खा लेते हैं, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। सर जी हो गए आपके पेपर चेक? कहाँ मैडम, कहाँ पेपर चेक हुए हैं, इतने सारे पेपर है, पिछले यूनिट टेस्ट के भी बचे हुए हैं अभी तो। अपनी मैडम को दे के आया हूँ चेक करने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, हो जाएंगे, खाना खा लेते हैं पहले। क्या लाए हो मैम? मैम मैं तो पराठा लेके आई हूँ, और आप क्या लेके आए हो? मैं भी पराठा ही लाई हूँ आलू की सब्जी के साथ। आप सर जी? मैम मैं तो सूखी रोटी लेके आया हूँ, कम से कम आप सब्जी तो लाए होगे, तो सूखी रोटी खाया हूँ। अरे तो सर जी आप खुद सीख लो ना, आजकल तो लड़के सारा काम कर लेते हैं। मैम देखो मैं तो संतरा लेकर आई हूँ, डाइटिंग पे चल रही हूँ ना, थोड़ा फिट भी रहना होता है। वैसे आप हो भी तो बिल्कुल स्लिम ट्रिम, जीरो फिगर बना रखा है मैम आपने। लो मैम संतरे लो। अरे नहीं नहीं मैम। अरे मैम ले लो ना। लो मैम आप। अरे नहीं नहीं देने दो। अरे मैम ले लो ले लो। चलो आप कह रहे तो खा ही लेते हैं। अरे ले लो मैम, खाना पच जाएगा। लो सर आप भी ले लो। और दे दो ना। अरे ये लो सर, कैसी बात कर रहे हैं। कितनी बार बोला है बच्चों को, क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर लिखा करो, अब ढूंढने बैठे रहो इनके आंसर कौन सा किसका है। वैसे मैम आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, जरूर मीशो से मंगाई होगी। नहीं नहीं मैडम जी, मैं मीशो से नहीं लेती हूँ, मॉल से लेके आई थी। अच्छा कितने की? यही कुछ 3000 तक की। बहुत लो बजट साड़ी है। अब मैम मेरे ये सूट ही देख लो, पता कितने रुपए का? 20,000 का है। और मैं परसों साड़ी लेकर आई, पता कितने की? पूरे 30-40 हज़ार की होगी। और मेरा मेकअप मैम पता लंदन से आता है, कितने का? 2.5-3 लाख का आता होगा। और मैम ये मेरी नेल पेंट ही देख रहे हो, बहुत महंगे प्रोडक्ट यूज करती हूँ मैं। मेरे पति ने कहा है कि पैसा उड़ाओ, अब है तो तुम्हारे पास। अच्छा अच्छा, वैसे मैम आपके जैसा बिल्कुल सेम सूट ना मैंने सरोजनी नगर में देखा था, 300-300 रुपए में पिटता घूम रहा था। मैम कॉपी होगा ना, अब आजकल कॉपी भी बहुत चलते हैं। ये मैडम ना ऐसे ही रहती रहती है, मेरे को लगता नहीं, बिल्कुल चीपेस्ट कपड़े पहनती है। सही कह रही है। स्वीटी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। मैम लंच कर लीजिए। नहीं तुम करो। स्वीटी मैम मुझे आपसे शिकायत है। मैम मुझसे? मुझसे कैसे शिकायत? मैम आप इंग्लिश टीचर हो और बच्चों को क्या सिखा रहे हो? कि जा रही है, के हाल है मैडम, ये कौन सी लैंग्वेज है? मैम कर रही हूँ कोशिश, बच्चे हैं सीख जाएंगे आराम से। ध्यान रखो इन बातों का। आपको रखा किस लिए? बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए? हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। ये नेल पेंट किसकी है? मैम वो गलती से ले आई थी। मैम आपको कितनी बार बोला है स्कूल में मेकअप का सामान मत लेके आया करो, बच्चे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं मैम चिंता मत करो, बच्चों को तो मैं ये सब लाने भी नहीं देती, यूज तक करने नहीं देती। वैसे भी आपको मेकअप का इतना शौक है तो आप पार्लर की दुकान खोल लो ना, टीचिंग लाइन में क्यों आए हो? मैम आगे से नहीं लेकर आऊंगी, सॉरी। मैम वैसे आपकी बेटी 12th में पढ़ती है ना? हाँ। मैम काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है आपकी बेटी, इतना अच्छा पढ़ती है वो, पढ़ाई में भी तेज है, स्पोर्ट्स में भी तेज है। चापलूसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बाकी अगर आपको उसका ट्यूशन लगवाना हो ना, आप टेंशन मत लेना, मेरे पास भेज देना, फर्स्ट आएगी क्लास में। ठीक है सोचती हूँ। जी मैम। अच्छा मैम वो मैंने आपको बोला था ना कि स्टाफ रूम का वॉशरूम ठीक करवा देना, मैम बड़ा गंदा रहता है, बहुत अनहाइजीनिक है, अब मुझे ना थोड़ा हाइजीन पसंद है, इसलिए ना थोड़ा ठीक करवा दीजिए डायरेक्टर सर को बोल के। चलो ठीक है बोल देती हूँ। हाँ और वो झूले, प्लेग्राउंड के झूले भी टूटे हुए ना, कल एक बच्चा गिर गया, सर फूट गया उसका, अब उसके पेरेंट्स मेरे को फ़ोन करके बोल रहे थे, तो थोड़ा सा वो प्लेग्राउंड में भी रिपेयर वगैरह करवा दीजिए। ठीक है मैं बोल देती हूँ। और मैडम आप, मैंने आपको 26 जनवरी की स्पीच तैयार करने के लिए दी थी और आपने मुझे क्या दिया है? 15 अगस्त की स्पीच। अब आगे से ध्यान रखना। और हाँ साथ के साथ है ना, मुझे टीचर्स डे की स्पीच भी चाहिए। मैम वो तो सितंबर में है, अभी से। मुझे पता है सितंबर में आता है, पर मुझे ये भी पता है
कि आपको इतने महीने ही लगेंगे तैयार करने में स्पीच। ठीक है मैडम, दे दूंगी। और हाँ, तुम सब बच्चों की स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो। साइड वाले स्कूल का रिजल्ट देखा है तुमने? कितना अच्छा आया है, और हमारा उनके मुकाबले में काफ़ी डाउन है। गेम और ड्राइंग के पीरियड मैंने हटा दिए हैं, और ये रिसर्च का भी टाइम कम कर दिया है मैंने। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बच्चों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देना ताकि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आए। चलो मैं चलती हूँ, ध्यान रखो। गई प्रिंसिपल मैम, पूरा लंच टाइम खराब कर देती है मैडम। हाँ मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आप ये देखो, ये मैम सोचती है कि हम एक्स्ट्रा पढ़ा दे बच्चों को, लेकिन सैलरी एक रुपया भी ना बढ़ाए हमारा। ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। और पीरियड्स भी तो होते हैं, उनमें क्यों नहीं आती? मैम टाइमिंग देख रहे हो, 2 बजे छुट्टी होती है, 3-3, 4-4 बज जाते घर जाते हैं, अब सीधा 4:30 बज जाएंगे। बताओ जी, घर में फैमिली को भी तो टाइम देना पड़ता है, ये तो सोचते स्कूल में ही बैठे रहे हम बस। खा लो अब खाना जी, ये लो खा लो खाना, सारा का सारा टाइम तो वही खा गई हमारा। चलो मैम, मैं तो क्लास में चलती हूँ। मैं भी क्लास में जा रहा हूँ मैम। चलो मैम, हम भी चलते हैं, 6th class में पीरियड है मेरा। क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों है तू? मम्मी क्या है, रोज की रोज लंच में बस पराठे और अचार देते रहते, पंगियों में खा खा गया। नहीं तो पता है आपको, सारे के सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते, जैसे मैं लंच बॉक्स खोलती हूँ ना तो सबको पता लग जाता है, खुशबू सूंघ के ही बता देते कि इसका लंच होगा, क्योंकि पराठे और अचार ही लेके आते, कुछ और भी भेज दिया करो ना। पराठे नहीं दूं तो और क्या दूं तेरे को? अरे मम्मी, कितनी सारी चीजें हैं भेजने के लिए, पिज्जा है, पास्ता है, सैंडविच है, बर्गर है, कुछ भी तो भेज सकते हो, पर नहीं, आप तो वो पराठे और अचार ही भेजोगे। अच्छा, सैंडविच खाना है, पिज्जा खाना है, यूं क्यों नहीं बोल रही कि मेरी जीभ चटोरी हो रही है? कुछ नहीं मिलेगा तुझे, सिर्फ पराठे मिलेंगे। मैं नहीं लेके जाऊंगी पराठे कल से। तू क्या, तेरा बाप भी लेके जाएगा? मैं यही काम करती रहूं, तेरे लिए अलग व्यंजन बनाऊं, उसके लिए अलग व्यंजन बनाऊं, दोनों के दोनों पराठे लेके जाएंगे, तू भी लेके जाएगी पराठे। नहीं लेके जाऊंगी मैं पराठे, हाँ नहीं तो पराठे की लागे लागे मेरे दिमाग तक पराठे चढ़ा दिए। भगवान, क्या करूं इस लड़की का? इसकी होमवर्क की डायरी चेक करती हूं। लंच? इस लड़की ने आज भी लंच नहीं किया। नैन्सी! हाँ मम्मी। इधर आ। आ रही। ये क्या है, तूने आज भी लंच फिनिश नहीं किया ना? वो मम्मी, मैंने ना एक्चुअली आज समोसा खा लिया था, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो इसलिए वो कह रही थी कि समोसा खा लेते आज। हाँ, तेरा तो ना चाट पकौड़ों में जी रहता है, बस समोसे खा लिए थे, लंच नहीं खाना होता तेरे को? तुझे पता है समोसे कितने गंदे होते हैं, 3-3, 4-4 दिन के पुराने होते हैं, बासी होते हैं वो। मम्मी कुछ नहीं होता, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। हाँ, पेट में दर्द हो गया ना फिर कहेगी कुछ नहीं होता। और एक बात बता, तू सुबह की रोटी शाम को नहीं खाती और 4-4 दिन पुराने समोसे खा लेगी तू? सुधरेगी नहीं ना बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है ना, अब मेरा बैग दो, मेरा बैग चेक मत करा करो, मैं बड़ी हो चुकी हूँ अब। हाँ तू तो बहुत बड़ी हो गई है, तुझे पता नहीं है बच्चे बेशक से कितने भी बड़े हो जाएं पर माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। चल ठीक है, ये ले लंच। अरे यार मम्मी, टिफिन कौन देता है, 12th class में आ गई मैं, इतने बड़े बच्चा थोड़ी ना टिफिन लेके जाता है। अरे फिर क्या खाएगी दिन में? ना आप एक काम करो, मेरे को ना पॉकेट मनी देना शुरू कर दो। भैया पॉकेट मनी क्या होता है? अरे यार मम्मी, पॉकेट मनी मतलब खर्ची, पेरेंट्स ना अपने बच्चों को ना रोज के खर्चे के लिए कुछ पैसे देते हैं, कोई 100 रुपए देता है, कोई 200 रुपए देता है, कोई 300 रुपए देता है, कोई 500 रुपए, और कोई कोई तो 1000 रुपए भी देता है। बस 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 बस, तेरी हूँ। Thank you.
ये ले 5 रुपए और हाँ फिजूल खर्ची मत करियो। मम्मी 5 रुपए कौन से जमाने में 0 5 रुपए में क्या आता है, उसमें भी कह रहे हो कि फिजूल खर्ची मत करियो, क्या खर्चा करूंगी मैं इसमें। 5 रुपए दे रही हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है, ले जा चुपचाप, नहीं तो वापस ले लूंगी। अच्छा ठीक है, शुरुआत अच्छी है आपकी, एक काम करना कल 10 दे देना और उससे अगले दिन 20 दे देना, ठीक है? ठीक है, कल की कल देखेंगे, अभी जा। ठीक है, बाय। मम्मी यार जल्दी कर दो, मेरे वैन वाले भैया बाहर खड़े हुए छोड़ जाएंगे मेरे को। अरे हाँ बाबा ले, कर दिया मैंने लंच पैक तेरा। यार मैथ की नोटबुक भूल गई, यहाँ पे रखा है तेरा लंच, ले जाइयो। जा रही हूँ मम्मी मैं। ठीक है। ये लड़की अपना लंच भी भूल गई। क्या करूं मैं अब इस लड़की का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा तो सब लोग पहले मुझे ये बताओ, क्या सारे बच्चे लंच लेके आए अपना अपना? यस मैम। और जो जो नहीं लेके आए वो खड़े हो जाओ, चलो तो लाए। अच्छा सब लोग लेके आए हो? यस मैम। अच्छा गुड, चलो ठीक है फिर लाओ अपने अपने लंच बॉक्स चेक करवाओ मुझे। मेरा लंच बॉक्स कहाँ गया? शिट, मैं तो लंच बॉक्स ही भूल गई। रौनक गुड। शीला तुम दिखाओ। जीरा आलू नाइस। तनु तुम दिखाओ अपना लंच। नाइस पास्ता। और नैन्सी तुम्हारा लंच का है, लाओ लेके आओ। मैम मैं अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। अच्छा जब आप लंच बॉक्स नहीं लेके आई थी तो फिर जब मैंने कहा था कि जो बच्चा लंच बॉक्स नहीं लेके आए वो खड़े जाओ, तो खड़ी क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैम मेरे को लगा था कि बैग में ही होगा लंच बॉक्स, मेरे को पता ही नहीं था कि घर पे रह गया है। ठीक है आज तो भूल गए हो, लेकिन याद से लंच बॉक्स लाना मत भूलना कल से, चाहे खुद भूल जाओ स्कूल आना, पर लंच बॉक्स लाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तुम्हें पता है बच्चों खाना प्रॉपर टाइम पे खाना कितना ज्यादा जरूरी होता है? अगर तुम लोग खाओगे नहीं तो क्या पढ़ोगे, स्कूल कैसे आओगे? हाँ ऐसे तो बीमारी होगे ना तुम लोग। अब प्रेयर में ही देख लो, अगर 10 मिनट से ज्यादा 11 मिनट भी तुम्हें खड़ा कर दो ना तो तुम सबको चक्कर आने लगते हैं, है ना? जब घर से अच्छे से खाना नहीं खा के आओगे, लंच बॉक्स नहीं लेके आओगे तो फिर तो चक्कर आएंगे ही ना। और वैसे भी अपने बड़े बूढ़े कहते हैं खाली पेट बीमारियों का घर होता है, तो क्यों रहना है खाली पेट? मम्मियाँ देती है ना खाना बना के, तो लेके आया करो, खाया करो टाइम पे। आज तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, कल से लंच लाना बिल्कुल मत भूलना। चलो नोटबुक्स निकालो सब अपनी। तो हम किस चैप्टर पर थे? द पोएट सेज बाय दिस दैट द। चलो लंच हो गया है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सब लोग अपना अपना लंच कर लो, चलो। से भूख लग रही है, अब मैं क्या खाऊं? भूख का ही रहना पड़ेगा। अरे यार भूख से पेट दुखने लग गया, पानी पी लेती हूँ। भद्रा
तेरे को कितनी बार बोला है अपना लंच लेके जाया कर, आज फिर भूल गई ना लंच। मम्मी आप? हाँ मैं। तुझे पता है कितनी दूर से आना पड़ता है मुझे तेरे लंच के लिए? 5 किलोमीटर रिक्शा करके आई हूँ मैं। तेरा डेली का काम हो रहा है, कुछ ना कुछ डेली भूल के जाती है। कभी लंच बॉक्स भूल जाती है, कभी पेन भूल जाती है, कभी पेंसिल भूल जाती है, कभी तो नोटबुक ही भूल जाती है तू। और खाने पीने का तो तेरा हिसाब ही नहीं है, कब खाना है कब नहीं। अब क्या हुआ, रो क्यों रही है? मम्मी मैं लंच बॉक्स भूल गई थी अपना, मेरे को ना बहुत जोर से भूख लग रही थी, किसी ने भी मेरे को कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए, और अब आप आ गए हो ना इसलिए मैं इमोशनल हो गई। अच्छा चुप हो जा, मैं खिलाती हूँ।